हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट पे। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 के लिए आवश्यक सूचना 16 मार्च की, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट है, 8 अप्रैल 2020 को जो होने वाली थी आपकी प्रवेश परीक्षा, इसमें बदलाव किए जाएंगे। और ये जो है कुल कितना फॉर्म पड़ा था, इसमें कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो जिन्होंने आवेदन किया हुआ था, इसमें भी आपको मैं आपको लेटेस्ट अपडेट, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है ना, जो डेटा मिला है वो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं। अब यहां पर देखेंगे न्यू एग्ज़ाम डेट अगर होगी तो क्या होगी, तो उस डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि मेरे यहाँ प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबाकर कि आप लोग जुड़ सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस और लाइव सेशन के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, ठीक है भाई। क्लास टाइमिंग जो है वो 11 बजे से दिन में क्लास स्टार्ट होती है, और इसके बाद 12 बजे भी एक क्लास होती है, यानी दो क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं अपना ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर के, यानी एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि इस दिन सीजम यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होनी है वो कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, बी ए बी एस सी का, एम ए का, ठीक है ना। तो जो सीएसएम यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो गए थे और ये चलने वाले हैं 16 अप्रैल तक, ठीक है। तो अगर न्यू एग्ज़ाम डेट रहती है तो क्या रहती है, और कुल कितना फॉर्म पड़ा, और 8 अप्रैल की परीक्षा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इस पर बात करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए पूरी वीडियो का एंड तक वॉच करिएगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्टिंग से भाई स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये है, सीएसएम यूनिवर्सिटी जो है सीएसएम यूनिवर्सिटी की 8 अप्रैल को होने वाली वार्षिक परीक्षा स्थगित हो सकती है। ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि 8 को पूरे प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा है। अगर ये निर्धारित तिथि पर होती है तो विश्वविद्यालय को अपनी परीक्षाएं टालनी पड़ेंगी। अब एक परीक्षा अगर हो तो विश्वविद्यालय अपना टाल सकता है, लेकिन कई सारी परीक्षाएँ हैं तो विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएँ नहीं टालेगा, ठीक है। चलिए उसके लिए देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है, ठीक है, इसकी वार्षिक परीक्षाएं जो कि 25 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी और 16 अप्रैल तक चलेंगी। 8 को बीए का अंतिम वर्ष का, बीएससी का अंतिम वर्ष का, और एमए प्रथम वर्ष, एमए का अंतिम वर्ष का है, ठीक है, एमकॉम का प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम होना है। और इन परीक्षाओं में सम्मिलित अधिकांश छात्र छात्राएं जो हैं वो बीएड की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित अधिकांश छात्र छात्राएं हैं यही बीएड की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत सारी कमेंट आप लोगों को आ रही थी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तिथि में दोनों परीक्षाएँ होनी जो है वो संभव नहीं है, तो इसलिए एक तिथि को लेकर के, इसी एक तिथि को दोनों परीक्षाएं होने से छात्र छात्राएं क्या हो गए, परेशान हो गए। इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा को लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। परीक्षा के लिए जो लगभग 4,32,000 छात्रों ने आवेदन किया हुआ है, ठीक है, छात्र छात्रों ने आवेदन किया है, और 8 अप्रैल को जब बीएड की प्रवेश परीक्षा है, ठीक है ना, उसी दिन बीए अंतिम वर्ष की भी है, जो कि अंग्रेजी हिंदी भाषा के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है, ठीक है ना। इसी तरह की बीएससी तृतीय वर्ष का भी जो होना है, और यहाँ पर भाई देखेंगे कि इसको लेकर के सीएसएम यूनिवर्सिटी जो है पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल को प्रस्तावित है, और बीएड की प्रवेश परीक्षा है ये, ठीक है। तो तिथि में बदलाव को लेकर के अफसर अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो परीक्षाएँ हैं, देखो भाई देख लो, पूरी अपडेट है, ठीक है, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी अन्य भी परीक्षाएं होनी हैं, उर्दू, संस्कृत और ये सब को लेकर के, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे भाई, इम्पोर्टेंट बात क्या, हालांकि अभी परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के विश्वविद्यालय के जिम्मेदार जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसी स्थिति पहले भी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विश्वविद्यालय वाला मामला चल रहा है। तो अब आएंगे अपनी बात पे, तो यहाँ पर भाई कुल कितना फॉर्म पड़ा है, ये पड़ा है 4,32,000 फॉर्म पड़ा है। तो आपको स्टडी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जो सीटें हैं, कुल सीटें होती हैं 1,12,000, ठीक है, प्लस सीटें होती हैं 1,12,000 प्लस सीटें, हर साल बढ़ती हैं, तो इस बार भी बढ़ने के चांसेस हैं। अब बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, ये अपडेट आएगी जब परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो न्यू एग्ज़ाम डेट जो होगी वो आपकी 16 अप्रैल के बाद होगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सीएसएम यूनिवर्सिटी है, जो इनकी परीक्षाएँ होनी है वो 16 अप्रैल तक लगे हुए एग्ज़ाम है। अगर कोई भी परीक्षा 8 अप्रैल, जो उनकी 8 अप्रैल वाली परीक्षा, अगर वो नहीं उस डेट
पे कराई जाती है, तो आगे फिर अगर उनकी परीक्षा होगी तो वो 16 अप्रैल के बाद होगी। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अगर इधर यूपी बीएड एंट्रेंस की एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो भी आपको फ़ायदा है, लेकिन हाँ ज़्यादा लेट नहीं होगी। यूपी बीएड की अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात बताऊं तो ये अगर ज़्यादा लेट इधर कर देंगे तो फिर काउंसलिंग में लेट हो जाएगा और सेशन लेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी लेट ये लोग नहीं करने वाले, क्योंकि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो बहुत टाइम से सारा काम करता है, ठीक है ना। तो फिर आपकी 20 अप्रैल से पहले, ये मतलब अगर 16 से पहले एग्ज़ाम नहीं होता, यानी 8 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फिर ये जो एग्ज़ाम डेट रहेगी वो 16 से 20 के बीच में रहेगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड की बात बताऊँ तो एडमिट कार्ड आपका जो है वो 8 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपडेट। आपको अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करके जरूर शेयर कर, क्योंकि इसमें सारी अपडेट मैंने डाल दी थी। कुछ भी आपको समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।